हेलो जेनिफर, ये लड़का कौन है? वो कोई लोफर लग रहा है, मैं नहीं जानती। पर फिर ये तुम्हें नाम से क्यों पुकार रहा है? मिस्टर, आप जेनिफर से कहाँ मिले? वो अंकल, मैं बस में। बस? इसका मतलब कि बस यही मसूरी में मिले। ये किसी कारण से मसूरी आया हुआ है, पर आप तो जानते ही हैं, मैं ऐसे लोफर लोगों से बात नहीं करती। सर, मैं मसूरी में नया आया हुआ हूँ, किराए के लिए कोई कमरा ढूंढ रहा हूँ। किराए के कमरे की बात सुनते ही थॉमस के हाव भाव ही बदल गए। कमरा? इस लड़के को मैं अपना कमरा चिपका सकता हूँ? थैंक यू जीसस, ऐसे लग रहा है जैसे ग्राहक खुद ही मेरी दुकान ढूंढते आ गया है। अरे बेटा, आप तो बहुत ही अच्छे घर से लगते हो, आपको रूम पक्का मिल जाएगा। आपने अच्छा किया जो हमसे पूछताछ कर ली। और जेनिफर बेटा, किसी नेक दिल राहगीर को इस तरह लोफर नहीं कहते। वैसे आपका नाम क्या है बेटा? कबीर। बहुत अच्छा नाम है आपका कबीर बेटा। जेनिफर, इन्हें अपना हिल टॉप रूम दिखा देना। कबीर बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये रूम बहुत डिमांड में है। आप तो जानते ही हैं, हॉलिडे सीजन आ रहा है और इस रूम को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। लाइन लगी है? पापा क्या क्या फेंके जा रहे हैं। रूम देखेगा तो इस कबीर को वैसे ही चक्कर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो भी इस लोफर को मैं वो रूम तो देने नहीं वाली हूँ। मेरे भी कुछ राज बंद है वहाँ। जाओ बेटा जाओ, जाकर रूम देख कर आओ। जेनिफर, मेरा एक पार्सल रह गया है, मैं कुछ इंतजाम करके घर पर मिलता हूँ। तू कबीर को रूम दिखाकर सीधे घर ले आना। चलो कबीर जी, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चलना है, थक मत जाना। वैसे तो मैं बस पर लटक कर मसूरी आया हूँ, पर ठीक है, 1 किलोमीटर तो चल ही लूंगा। तुम बस पर लटक के आए हो? हाँ, जब बस चलने लगी और डिक्की बंद हो गई तो मैं बस की छत पर लटक गया। पर माँ कसम, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इस पहाड़ी इलाके के कि हर 10 मिनट बाद लगता था कि अब उल्टी हो जाएगी। लगता है तुम बड़े नाजुक शरीर के हो, हम पहाड़ी लोग तो इतनी आसानी से परेशान नहीं होते, हम हमेशा फिट रहते हैं। बाकी पहाड़ी लोगों का तो नहीं पता, पर हाँ, तुम वाकई हर जगह से फिट लग रही हो। ए मिस्टर, फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। हाँ, रूम देखने आयो, चुपचाप बस देखो और निकलो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी फिटनेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा ठीक है, चलो हम रूम तक पहुँचने ही वाले हैं। एक बात कहूँ, आपका रूम बहुत ही सुंदर जगह पर है, यहाँ रहने का अलग ही आनंद आएगा। हे भगवान, ये तो रूम लेने की सोच रहा है, कोई तरकीब लगानी होगी। इतना खुश मत हो, हाँ तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये रूम जो है हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, 2 साल पहले यहाँ एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी, तब से कहते हैं इस जगह उसकी आत्मा भटकती है। खैर चलो, रूम पहुँच गए, और तुम मुझे अच्छे लड़के लग रहे हो तो सोचा सच बता दूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो ये रूम बिल्कुल मत लेना। आखिर ऐसा क्या है इस रूम में कि जेनिफर मुझे ये रूम नहीं लेने देना चाहती? अब समझा, ऐसा क्या है इस रूम में। तो फिर क्या फैसला लिया? तुम ये रूम नहीं लोगे, राइट? हाँ, नहीं लूंगा, कोई और रूम देख लूंगा। वाह ग्रेट, आई मीन गुड डिसीजन। मैंने रूम लेने से मना कर दिया तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। पापा को तुम खुद ही बता देना कि तुम्हें रूम पसंद नहीं आया, अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया होगा। और हाँ, एक बात और, ये आत्मा वाली बात पापा को मत बोलना। क्यों ना बताऊं? अरे अब पापा की उम्र हो गई है ना, उन्हें डर लग गया और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर ये लड़का ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा के सामने आत्मा वाला जिक्र नहीं करूंगा। वेरी गुड, इस बात पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी यादें बताती हूँ। पता है जब मैं छोटी थी तब इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर अपने कजिन्स के साथ लगोरी खेलती थी, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया सबसे मिलना काफी कम हो गया। पहले तो हर गर्मी की छुट्टी में हम साथ खेलते थे। यूं ही बातचीत करते करते जेनिफर और कबीर जेनिफर के घर पहुँच गए। तो बेटा कबीर, तुम्हें रूम पसंद आया? ओ सर, क्या है कि रूम जो है वो तो अच्छा है। ओ गॉड, ये लड़का क्या बोलने वाला है, लगता है मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। पापा, इसे रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने इसे समझाने की कोशिश भी की पर ये मान ही नहीं रहा। क्यों, रूम में कोई दिक्कत है क्या?
वो बंद पड़े होने के कारण कुछ स्मेल आ रही हो तो मैं उसे साफ करा दूंगा। और हाँ, रेंट का प्रॉब्लम हो तो चिंता मत करो, तुम जैसे शरीफ लड़के के लिए मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट? हाँ, तुम्हें मैं सिर्फ 5,000 किराए में रूम दूंगा। अब बोलो, चलेगा? 5,000? ये तो सही बजट में फिट हो जाएगा, और फिर इस फूल जड़ी से भी मिलने का मौका मिलेगा। हाँ सर, चल जाएगा। अरे, पर तुम्हें तो रूम पसंद नहीं आया था ना? हाँ, पर तुम्हारे पापा का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता ना, कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। वाह बेटा, ये हुई ना बात, थोड़ा एडजस्ट करना ही तो जिंदगी है। साले कबीर के बच्चे, तू एडजस्ट करेगा? रुक बेटा, आज रात तुझे ऐसा मजा चखाती हूँ ना कि पूरी जिंदगी एडजस्ट करता फिरेगा तू। तू देख बेटा, अब जेनिफर की चाल। आखिर क्या पक रहा है जेनिफर के दिमाग में? ऐसा क्या सीक्रेट है उस रूम का? क्या होगा कबीर जेनिफर के इस नोकझोंक भरे सफर में? जुड़े रहिए। Thank you.